Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Hope you all are fine. Today we are going to start unit number 6, basic statistics. Page number 108. Topic hai hamara frequency distribution. A frequency distribution is a tabular arrangement of classifying data into different groups, and the number of observation falling in each group corresponds to the respective group. The data presented in the form of frequency distribution is called group data. Hence, a frequency distribution is a method to summarize data. Frequency distribution जो है वो क्या होती है, एक tabular arrangement होती है. हमें data एक given होता है, उस data को हमने tabular form में arrange करना होता है, ठीक है. उसमें जैसे यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल दी हुई है, उसको मैं आप एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर करूँगी. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो टू टाइप्स की होती है. एक हमारे पास होती है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड सेकेंड होती है कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि जो भी डेटा गिवन होगा उसकी हमने मैक्सिमम और मिनिमम ऑब्जर्वेशन फाइंड करनी होगी, और फिर डेटा में हमने मिनिमम से मैक्सिमम जो है ऑब्जर्वेशन हमने लिखनी होगी. सेकेंड पॉइंट में हमने क्या करना होता है कि हमने रिकॉर्ड करनी होती है ऑब्जर्वेशन बाय यूजिंग टैली मार्क्स, और टैली मार्क्स को हम इस आई से रिप्रेजेंट करते हैं. थर्ड पे टैली मार्क्स को काउंट करके हमने फ्रीक्वेंसी टेबल में जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में फ्रीक्वेंसी कॉलम में हमने उन टैली मार्क्स के नंबर्स को काउंट करके लिखना होता है, ठीक है. जैसे यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमें यहाँ पे गिवन है डेटा 3 4 2 3 3 5 2 2 2 1 1 2 1 4 2 2 3 3 4 2. ये हमें जो है गिवन है 5 कॉइन्स टॉस 20 टाइम्स एंड द नंबर ऑफ हेड्स रिकॉर्डेड, ठीक है. ये 5 कॉइन्स को हमने टॉस किया है और ये नंबर ऑफ हेड को हमने रिकॉर्ड किया है कि नंबर ऑफ हेड्स जो है वो किस तरह से हमारे पास आए हैं. ये डेटा में हमें गिवन है. सबसे पहला स्टेप क्या था कि हमने इसमें से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है. मैक्सिमम वैल्यू अगर आप इस डेटा में देखें तो वो क्या है, 5, और मिनिमम वैल्यू अगर आप देखो तो इस डेटा में क्या है, 1 है, ठीक है. तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आ गई 5 और मिनिमम वैल्यू हमारे पास आ गई 1. उसके बाद आपने टेबल ड्रॉ करना है. टेबल में सबसे पहले आपने फर्स्ट कॉलम बनाना है नंबर ऑफ हेड्स का, सेकेंड बनाना है टैली मार्क्स का, और थर्ड बनाना है फ्रीक्वेंसी का, ठीक है. सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या था कि हमने मिनिमम से मैक्सिमम में डाटा लिखना है. तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास 1 है और मैक्सिमम क्या है, 5 है. तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक हो गया. उसके बाद सेकंड कॉलम में हमने क्या करना होता है, टैली मार्क्स लगाने. अब टैली मार्क्स हम किस तरह से लगाएंगे कि हमारे पास जो डाटा गिवन है उस डाटा में आपने देखना है कि 1 कितने टाइम्स है. अगर आप इसको देखो तो यहाँ पर हमारे पास 1 इस डाटा में 3 टाइम्स है, 1 1 एंड 1, ठीक है. तो यहाँ पे हमने 3 टाइम्स टैली मार्क्स का साइन यूज़ करना है, 1 1 एंड 1. उसके बाद 2 हमने डाटा में चेक करना है, 2 कितने टाइम्स आ रहा है. तो यहाँ पे देखिए 1 टाइम 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 टाइम्स हमारे पास 2 है. तो हमने टैली मार्क्स का साइन 8 टाइम्स यहाँ पे यूज़ करने हैं. 1 2 3 4 और 5 को हमने जो क्रॉस में लगाना है, 5 6 7 8, ठीक है. जहाँ पे 5 आएगा, 5 में आपने पहले 4 लाइन्स ड्रॉ करनी है और 5th वन को क्रॉस में लगाना है. नेक्स्ट हमारे पास है 3. अब 3 काउंट करने के इस डेटा में 3 कितने टाइम्स है, तो 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 एंड 5, 5 टाइम्स है, ठीक है. तो यहाँ पे हमने 5 टैली मार्क्स यूज़ करने हैं, 1 2 3 4 और 5 क्रॉस में. नेक्स्ट 4 है, 4 इसी तरह से आपने काउंट करने हमारे डेटा में कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 1 2 3. उसके बाद 5 5 1 टाइम है तो हम 1 लिखेंगे. अब फ्रीक्वेंसी के कॉलम में हमने क्या करना होता है कि टैली मार्क्स को हमने काउंट करके लिखना है. यहाँ पे देखिए कितने टैली मार्क्स हैं, 1 2 3, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे. सेकेंड कॉलम में चेक करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8, ठीक है. इसी तरह से नेक्स्ट को देखें, 1 2 3 4 5, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के कॉलम में क्या आएगा, 5.
नेक्स्ट 1, 2, 3 वैकेंसी के कॉलम में इसके सामने बिल्कुल 3 आएगा। नेक्स्ट 5 के सामने 1 टैली मार्क है तो फ्रिक्वेंसी में भी क्या आ जाएगा 1। तो इस तरह से हमने डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी टेबल जो है वो। सेकेंड है हमारे पास कॉन्टीन्यूस फ्रिक्वेंसी टेबल। कॉन्टीन्यूस फ्रिक्वेंसी टेबल के स्टेप्स क्या होते हैं कि सबसे पहले हमने फाइंड करनी होती है रेंज, और रेंज हमारे पास क्या होती है, जो भी डेटा हमें गिवन होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, रेंज। सेकंड पॉइंट क्या है कि हमने नंबर ऑफ ग्रुप्स को डिसाइड करना होता है कि इस डेटा में हमने कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स जो है वो बनाने हैं, और ये जो नंबर ऑफ ग्रुप का डिसीजन है ये हम अपनी रेंज को देख के लेते हैं। अगर रेंज बड़ी होगी तो हमने नंबर ऑफ ग्रुप भी ज़्यादा बनाने होंगे, ठीक है। और यूजली ये जो हमारे पास नंबर ऑफ ग्रुप्स होते हैं 5 और 20 के दरमियान हम बना सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास मोस्टली हम 5, 7, 8 इतने ही ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है। अगर रेंज हमारी छोटी है तो नंबर ऑफ ग्रुप्स भी हम कम बनाएंगे, अगर रेंज ज़्यादा होगी तो नंबर ऑफ ग्रुप भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। थर्ड में हमने क्या डिटरमाइन करना होता है, साइज़, कि कितना क्लासेस का साइज़ होगा, यानी इंटरवल्स के दरमियान में कितना गैप होगा। तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एच से, और एच हमारे पास होता है रेंज, और उसको डिवाइड करते हैं जितने हमने नंबर ऑफ ग्रुप्स बनाने होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो रिमेनिंग 3 पॉइंट्स हैं वो हमारे वही हैं जो डिस्क्रीट ग्रुप डेटा में थे, कि उसके बाद हमने क्या करना होता है, जब हमारे पास रेंज भी आ गई, हमारे पास नंबर ऑफ ग्रुप्स भी आ गए, हमारे पास इंटरवल का साइज़ भी आ गया, तो उसके बाद हमने अपनी मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करना होता है 4th पॉइंट में। 5th में हमने जो है मिनिमम वैल्यू लिखने के बाद हमने टैली मार्क्स यूज़ करने होते हैं, एंड 6th वन में हमने क्या करना होता है कि उन टैली मार्क्स को देख के हमने अपनी फ्रीक्वेंसी लिखनी होती है, ठीक है। तो इन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए अभी हम एक एग्जांपल करेंगे कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। एग्जांपल 2 है पेज 109। एग्जांपल 2 गिवन है, द फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद अ क्लास इंटरवल ऑफ साइज 10। अब यहाँ पे हमें क्लास इंटरवल का साइज़ यानी एच हमें गिवन है 10 है, ठीक है। अगर जहाँ पे एच गिवन नहीं होगा तो वहाँ हमने क्या करना होगा कि रेंज को डिवाइड करेंगे जितने नंबर ऑफ ग्रुप हमने बनाने होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्टेप 3 था, पॉइंट 3 था, उसको हमने नहीं करना, क्योंकि हमें यहाँ क्वेश्चन में साइज़ जो है वो एच की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पर हमें गिवन है मार्क्स गिवन है 40 स्टूडेंट्स के मैथमेटिक्स में। तो सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि जो आपको यहाँ पे डाटा गिवन है उसको आप अरेंज करके लिख लें, जैसे यहाँ मैंने इनको अरेंज करके लिखा है, ठीक है। 2, 7, 10, 10 जितने टाइम्स वो नंबर आएगा उतने टाइम्स आपने उसको लिखना है, 13, 14, 15, 17, 18, 18, 19, 19। जो एग्ज़ाम्पल में डाटा गिवन है वो आपको सीक्वेंस में गिवन नहीं है, तो आपने कोशिश करनी है कि उसको सीक्वेंस में लिख लेना, ठीक है। उसके लिए उससे फिर आप के लिए जो ना वो इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। उसके बाद हमने डाटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करनी है। डाटा में सबसे मैक्सिमम वैल्यू 60 है और मिनिमम वैल्यू क्या है, 2 है। कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए आपको 3 कॉलम चाहिए, एक क्लासेस और ग्रुप का टेबल, एक ऑब्जर्वेशन का और एक फ्रीक्वेंसी का। सबसे मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करना है। सबसे मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है। 2 से आपने स्टार्ट करना है, और हमें यहाँ पे साइज़ गिवन है, एच गिवन है 10, ठीक है। तो हमने 2 से लेके 11 तक टोटल साइज़ हमारे पास क्या बनता है, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 2 से लेके कहाँ तक आएगा, ये 11 तक आएगा। फिर इसी तरह से 11 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 12, 12 से स्टार्ट करना है, और 10 का साइज़ रखते हुए हमारे पास 21 आएगा। फिर 22 से स्टार्ट करना है, 10 का साइज़ रखते हुए 31, 32 से स्टार्ट करना है, 10 का साइज़ रखते हुए 41, 42 से स्टार्ट करना है, 10 का साइज़ रखते हुए 51, फिर 52 और 10 का साइज़ रखते हुए 61। अब चाहे वो नंबर डेटा में है या नहीं है, आपने सीक्वेंस से वो क्लासेस और ग्रुप आपने बनाने हैं। सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट करना है, और सीक्वेंस में 10 का साइज़ लेते हुए आपने लिखते जाना है, चाहे वो आपको डेटा में वैल्यू गिवन है या नहीं गिवन, ठीक है। सेकेंड कॉलम में हमारे पास ऑब्जर्वेशन का, अब आपने स्टार्ट करना है 10 का साइज़ रखते हुए 51, फिर 52 और 10 का साइज़ रखते हुए 61। अब चाहे वो नंबर डेटा में है या नहीं है, आपने सीक्वेंस से वो क्लासेस और ग्रुप आपने बनाने हैं। सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट करना है, और सीक्वेंस में 10 का साइज़ लेते हुए आपने लिखते जाना है, चाहे वो आपको डेटा में वैल्यू गिवन है या नहीं गिवन, ठीक है।
सेकेंड कॉलम में हमारे पास ऑब्जर्वेशन का, अब आपने ये देखना है कि 2 से लेके 11 तक कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, कौन कौन से नंबर हैं, 2, 7, 10, 10, ये देखें डेटा में आपको गिवन है 2, 7, 10, 10, ये आपने ऑब्जर्वेशन के कॉलम में लिख लेना है। उसके बाद 12 से लेके 21 तक आपने देखना है कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, वो जितने टाइम्स आ रहे हैं वो सारे नंबर्स आपने लिखने हैं। इसी तरह से 22 और 31, डेटा में जो जो नंबर 22 और 31 के दरमियान जो जो नंबर आ रहे हैं वो आपने लिखने हैं, 22 और 31 भी शामिल होगा। नेक्स्ट 32 और 41, और इनके दरमियान जितने नंबर डाटा में आएंगे वो सब आपने यहाँ लिखने हैं। 42 और 51, जितने नंबर डाटा में आ रहे हैं वो सब आपने यहाँ लिखने हैं। 52 और 61, जितने नंबर डाटा में आ रहे हैं वो सब आपने यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद इन नंबर्स को काउंट करना है और फ्रीक्वेंसी टेबल में आपने लिखना है। जैसे यहाँ पे देखें 1, 2, 3, 4 टाइम्स नंबर है, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी टेबल में क्या आ जाएगा, 4। नेक्स्ट में देखें 9 आ रहे हैं टोटल नंबर, तो फ्रीक्वेंसी के टेबल में 9, तो फ्रीक्वेंसी के टेबल में आपने ऑब्जर्वेशन में से नंबर काउंट करके लिखने हैं, क्लियर है। सिर्फ आपने ग्रुप बनाते हुए ध्यान रखना है सबसे मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करना है और 10 का डिफरेंस रखते हुए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 का, किस नंबर पे 10 आ रहा है, 11 पे आ रहा है, तो 2 से लेके 11 तक जो है वो आपका एक इंटरवल बनेगा। फिर नेक्स्ट 12 से स्टार्ट होगा और 21 तक 10 का साइज रखते हुए, और मिनिमम वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 60 है, तो आपने यहाँ कहाँ तक लिखना है, 61 तक, ठीक है, 60 के नियर आपने वो नंबर लिखना है। जो एग्जांपल मैं आपको दिया हुआ है वो 0 से स्टार्ट है, तो मैंने आपको जो है वो मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो आपने भी इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल में वैसे भी कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये हमारे पास कॉन्टीन्यूस ग्रुप डेटा है, और इससे पहले हमने डिस्क्रीट ग्रुप डेटा किया था। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, जो कॉन्टीन्यूस होता है उसमें हम इंटरवल्स बनाते हैं इस तरह से, क्लासेस और ग्रुप, और जबकि डिस्क्रीट में हमने सिंपल सबसे मिनिमम वैल्यू 1 लिखी, नेक्स्ट कॉलम में 2, 3, 4 और 5, तो इनमें सिर्फ और सिर्फ क्लासेस और ग्रुप का डिफरेंस होता है कॉन्टीन्यूस में और डिस्क्रीट में।